बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी फूड ब्लॉग्स देखने और सुनने वाले सभी बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। दुआ कर अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर तरह की मुसीबत और परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बीफ पसंदे, और उसके लिए हमने बीफ का गोश्त ले लिया। ये अंडर कट का गोश्त है। इस गोश्त की खासियत ये होती है कि एक तो ये गोश्त बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसके अलावा इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये एक ही पीस उसमें से निकलता है, ये वाला, ये पुट के साथ लगा होता है एक साइड पे पुट के। तो अभी हम इसके पीस बनाएंगे और उसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे। तो पहले हम पीस बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसके मैरिनेशन कैसे करनी है। जो हमारे पास अंडर कट का पीस था उसके हमने ये बोटियां बना ली हैं। इस शक्ल में तकरीबन आपने बोटी बनानी है ये, और इसको मज़ीद अभी फ्लैट करना है हमने। अभी हम इसके पसंदे बनाएंगे। ये इस शक्ल में बिल्कुल इसको आपने फ्लैट करके ये इसके पसंदे बना लेने हैं। ये सारा गोश्त हम इसी तरह करेंगे। बीफ जो था उसके हमने पसंदे बना लिए हैं। ये इस तरह के सारे आपने कर लेने हैं, ये इस शेप में सारे आने चाहिए, ठीक है जी। अभी जो हमें मसाले चाहिए इसके लिए, उसमें ये हमारे पास दही है एक कप, और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया एक टेबलस्पून, शाह ज़ीरा पिसा हुआ एक टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा एक टेबलस्पून, ये भुना हुआ है और पिसा हुआ है, गर्म मसाला एक टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट दो टेबलस्पून, कचरी पाउडर एक टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च एक टेबलस्पून, चने का पाउडर चार टेबलस्पून, नमक एक टेबलस्पून और कुटी मिर्च एक टेबलस्पून। इसके अलावा हमने ये जो चने का पाउडर है इसमें खसखस भी शामिल कर दिया है, तकरीबन एक टेबल टीस्पून के लगभग, और लीमू का हमें चाहिए जूस, दो लीमू का हमने जूस भी ले लिया। तो अब ये सारे मसाले अब हम डालेंगे और उसमें फिर मैरिनेट करेंगे पसंदों को। सबसे पहले हम दही डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी मिर्च, ये चारों मसाले, चने का पाउडर और खसखस, कचरी पाउडर, लहसुन अदरक और लीमू का जूस। अब संदे हम इसमें डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं एक रात के लिए, और फिर कल हम इसको बनाएंगे। तो कल फिर हम आपसे मिलेंगे। पसंदे हमने कल मसाला लगा के रखे थे, अभी हमने निकाल लिया फ्रिज में से। अभी हम इसको ग्रिल पैन में रख के तो पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रिल पैन में हम इसको रख रहे हैं और इसको पकाते हैं। आप चाहें तो इसको नॉर्मल तवे पे फ्राई कर सकते हैं, या फिर फ्राई पैन में भी आप इसको पका सकते हैं। ग्रिल पैन के ऊपर आप इस तरह से पकाएंगे तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नीचे से बन रहे हैं, निशान भी ऊपर से मार खा रहे हैं। कुछ हमने इस तरह बना लिए हैं, बाकी जो है हमको दूसरे तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे बनानी है। बाकी जो हमारे पसंदे थे जिनको हमने बचा लिया था, हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमने डाला है, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट एक टेबलस्पून, एक टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट एक टीस्पून, अभी हम इसमें डाल देते हैं।
तकरीबन 15 मिनट हम इसको पकाएंगे आँच हल्के करके हम इसको कवर कर देते हैं। कवर कर दिया, 15 मिनट बाद हम देखते हैं इसको। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, संदे हमारे तैयार हैं, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। संदे हमारे तैयार हो गए हैं, दो तरह से हमने बनाए हैं, या हमने स्टेक किए बगैर ऑयल के, इसको आप इस तरह बना सकते हैं, और यह हमने ग्रेवी वाले बनाए हैं, थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई किए, तो दोनों ही इंतहाई लजीज बनते हैं। आप भी इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।